आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरदोई में भ्रष्टाचार की सीएम से हुई शिकायत, बिना निर्माण कार्य कराए भुगतान का आरोप। लखनऊ में डीएम ने कई जगहों का किया निरीक्षण, डीएम ने कार में तेजी लाने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन, वित्त मंत्री ने अपने हाथों से कराया भक्तों को भंडारा। फरीदाबाद में बिल्डर से परेशान लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, बिल्डर और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हरदोई में पीड़िता की पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, पीड़िता ने डीएम और एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। खबर लखनऊ से है, जहां सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल 21 मार्च से 25 मार्च तक एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न सेनाओं में पुलिस और पीएसी के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जानकारी देते हुए एसएसबी के आईजी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश के सभी खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ना है, 400 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कबड्डी, खो खो, साइकिलिंग और बाकी एथलीट्स प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉम्प्लेक्स जो कानपुर रोड पर है, उसको चयन किया गया है, वहां पर ये सारी प्रतियोगिताएं होंगी। साइकिलिंग हमारी किसान पथ पर होगी, 10 किलोमीटर के स्ट्रेच को रिजर्व करा गया है जहां पर साइकिलिंग होगी। हम लोग इस कार्यक्रम का की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी हम लोग पीएससी की 35वीं वाहिनी महानगर में करेंगे, और यहाँ पर हम लोगों का कार्यक्रम परसों है ओपनिंग का, 21 तारीख को सवेरे 10 बजे। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी चीफ गेस्ट होंगे, और यहाँ पर जो हमारे लब्ध प्रतिष्ठित धावक हैं और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो टॉर्च लेकर आएंगे और टॉर्च को हम लोग उसके बाद में फ्लेम जलाएंगे। लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अहम प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार 2020 से अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि सरकार जानबूझकर उनके अधिकार आरक्षण से उन्हें वंचित कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बनाई, मगर उन्होंने भी जो रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा आरक्षण में घोटाला हुआ है। 13 मार्च को आदेश आया था कि कोर्ट से 6800 की नियुक्ति रद्द हो। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो नियुक्ति नहीं दी गई? योगी सरकार दलित पिछड़े का हक मार रही है। आपको बता दें कि बिजली कर्मी की हड़ताल पर बोले कि ऊर्जा मंत्री समझौता करते हैं, मगर किसी अधिकारी का उस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं। जांच समिति के आयोग के रिपोर्ट के बाद 23 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ जी ने अभ्यर्थियों से बातचीत की, और बातचीत के बाद 5 जनवरी 2022 को 6800 दलित और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी थे, उनको यह माना कि इनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने एक सूची जारी की जिसके अंतर्गत उनको उस शिक्षक भर्ती का यह पाया गया, अर्ज पाया गया कि हाँ, ये शिक्षक 6800 इनकी नियुक्ति दी जाएगी। आज तक उन 6800 नौजवानों को अब तक नियुक्ति पत्र या सरकार नहीं दे पाई।
IIA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय MSME बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 के आयोजन को होटल रॉयल पन्ना के आयोजकों ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि IIA द्वारा 25 मार्च 2023 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय MSME बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 21 देशों के दूतावास और राजनयिक जुटेंगे। उपरोक्त आयोजन को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने रॉयल पन्ना होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 25 मार्च 2023 दिन शनिवार को लखनऊ के 5 सितारा होटल सेंट्रम में 21 देशों के राजदूत एवं ट्रेड कमिश्नर आ रहे हैं। हमारा मकसद आईए का ये मकसद है कैसे MSME को और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी तक जितने ज़्यादातर राजनीतिक लोग आते हैं दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में रह जाते हैं या बॉम्बे चले जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, छोटी जगह कोई नहीं आना चाहता। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। हाशिया, फावड़ा, लाठी डंडे से दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त हंगामा चला। वहीं मारपीट के दौरान गांव में कोहराम मच गया। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं और घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। प्रयागराज में रहने वाला अनीस उर्फ गुड्डू छोटे से गांव में पला बड़ा है, मगर जैसे जैसे बड़ा हुआ वो अपराध की दुनिया में पैर रखता गया। 15 साल पहले अपनी ही गांव के एक युवक की हत्या के आरोप में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद वो जेल भी गया, मगर पैरोल पर करीब 10 साल से बाहर आ गया। अनीस उर्फ गुड्डू के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि अनीस उर्फ गुड्डू अतीक अहमद गैंग में शामिल होकर अतीक के लिए काम कर रहा था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद अनीस उर्फ गुड्डू भी फरार चल रहा था। पीड़ा हमको इतनी ज्यादा है, जिला प्रयागराज का एक हिस्ट्री सीटर थाना कुरान निवासी तमगड़ा मेरे गाँव रहने वाला है। मेरा मकान कब्जा कर लिया है और इतना परेशान किया है हम लोगों को। अनीस उर्फ गुड्डू और इसके भाई, पूरा परिवार इनका सम्मिलित है, इतना हमको पीड़ा है कि मकान हमारा कब्जा कर लिया, उसके बाद डेली धमकी देना और इसके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है और पुलिस द्वारा कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। ADG प्रेम प्रकाश के द्वारा जांच की गई, उनकी टीम आने के बाद लिखा गया मुकदमा। सर इतना हम पीड़ित हैं और एक पेपर के माध्यम से जानकारी हुई कि ये माफिया थी अहमद के गैंग सदस्य है, उनके शूटर साथ रहता है ये, और इतनी पीड़ा हम लोग का सर है कि हम कुछ बता नहीं सकते। जान लीजिए मेरे परिवार का हत्या हो सकती है कभी भी, अगर पुलिस और SOG STF इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जान लीजिए कि मेरा पूरा परिवार ये छोड़ेगा नहीं। तो अनीस उर्फ गुड्डू के ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं उस पर उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल होने का शक जताया जा रहा है। तो अनीस उर्फ गुड्डू के ऊपर तकरीबन अगर बात की जाए तो 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जबकि 10 साल से वो पेरोल पर बाहर भी निकला है, लेकिन अब उस पर एक बेहद ही गंभीर हत्याकांड में शामिल होने की भी खबर सामने आ रही है, जिसका नाम अनीस बताया जा रहा है। उसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी अनीस उर्फ गुड्डू अब फरार बताया जा रहा है। वही अगर अनीस के इतिहास पर एक नजर डाले तो तकरीबन 10 साल से वो पेरोल पर बाहर और एक हत्याकांड में उसे जेल के अंदर किया गया था, लेकिन उस हत्याकांड के बाद वो 10 साल से पेरोल पर बाहर और वही अनीस उर्फ गुड्डू पर तकरीबन 40 से अधिक मुकदमे भी दर्ज है। वही उमेश पाल हत्याकांड में भी उसका नाम अब निकल के सामने आया है और जब से उसका नाम चर्चाओं में है तब से ही वो फरार बताया जा रहा है। कुशीनगर में रोटरी क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान के अंतर्गत रोटरी ने 50 देशों के अंतर्गत 75,000 यूनिट रक्तदान कराने का लक्ष्य रखा था, जिसमें शिविर में 105 लोगों ने रक्तदान का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस रक्तदान शिविर का आरंभ में समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, विधायक PM पाठक मौजूद रहे। देखिए रक्तदान शिविर महादान 8.0 के तहत
विश्व के 50 देश और 75,000 ब्लड यूनिट हम लोग कलेक्शन करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। तो आज इसी क्रम में रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा डाक बगले गेस्ट हाउस में कसिया में हम लोगों ने जो स्वैच्छिक रक्तदान महादान का एक शिविर लगाया है, जिसमें बहुत सारे लोग आज यहाँ आके रक्तदान कर रहे हैं और बहुत उत्साह का माहौल है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां चित्रा टॉकीज में श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर वित्त मंत्री के पूजन कर भंडारा कराया। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने हाथों से भक्तों को भंडारे में प्रसाद ग्रहण कराया। उनके साथ में सांसद अरुण कुमार सागर, कमलेश कुमार खन्ना, चंद्रशेखर खन्ना आदि लोग भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार लखनऊ का निरीक्षण करने निकले और जनपद वासियों की सुविधा हेतु स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के उद्देश्य से जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार फील्ड पर निकले थे। इस दौरान जिलाधिकारी अचानक अमीनाबाद स्थित लाटुश रोड, हेविट रोड का निरीक्षण करने पहुंचे और निरीक्षण के दौरान लाटुश रोड पर ब्लैक टॉप और रोड रिपेयर का कार्य अपने अंतिम चरण के पायदान पर पाया गया। कार्य में तेजी लाने के भी इस दौरान उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। तो लखनऊ में डीएम सूर्यपाल गंगवार द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जब डीएम अमीनाबाद के लाटुश रोड पर पहुंचे तो कार को अंतिम सड़क के निर्माण कार्य का अंतिम रूप देखते हुए उन्होंने कार में तेजी लाने के भी दिशा निर्देश दिए। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे पर दुख जताया है। घटना में मृतक श्रमिकों और मजदूरों के परिवारजनों के यहां पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और घटना में घायल हुए लोगों के यहां पहुंचकर परिवारजनों से मिलकर संवेदनाएं भी उनके द्वारा व्यक्त की गई हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अनावरण कर चोरी किए गए 10 बोरी खाद और नकदी समेत अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। साथ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मशहूर जिम संचालक सरदार दलजीत सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो दिल्ली से अपने घर लखीमपुर लौट रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनकी कार भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 कुंतल गोमांस और घटना में प्रयुक्त 1 कार और अवैध तमंचा कारतूस सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई में अब जुट गई है। बेहद ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान 2 कुंतल मांस बरामद करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। खबर हरदोई से है, जहां कैटल शेड के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जहां रिश्वत लेकर भाई भतीजावाद पॉलिसी को अपनाया गया है और बिना निर्माण कार्य कराए कैटल शेड का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें तकनीकी सहायक ग्राम विकास अधिकारी से लेकर बीडीओ पर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर मामले में जांच कराकर कार्रवाई की मांग भी की है। आपसे कितने पैसे लिए गए कैटल सेट के नाम से? 5,000 रुपया लिए गए हमसे। आपका बन गया? अभी नहीं, हमारा कुछ मिला ही नहीं हमको। कितने दिन हो गए? हो गया 1.5 साल 2 साल। ग्राम पंचायत अधिकारी वही हैं या बदल गए? वही हैं, कुलदीप दीक्षित। ये तो टीए होंगे अब? हाँ टीए हैं। और आपके गांव में कितने पैसे लिए गए हैं? कितने पैसा लोगे? आधो बनो आधो इसे परो। और कोई है? सुशीला हीरालाल। आपका गांव कौन सा है? मतुआ, ग्राम मतुआ, ब्लॉक सुरसा। हाँ।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे सहयोगी हर्षराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षराज, हरदोई में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत हुई है, क्या कुछ था ये पूरा मामला? मुस्कान, आपको बता दें सुरसा ब्लॉक के मधुआ व पौतेरा गांव में कैटल सेट के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। एक ही घर में पिता पुत्र और भाई को कैटल सेट दिया गया था, साथ ही घर पर न रहने वाले एक व्यक्ति को कैटल सेट देने का आरोप है। सुरसा के मधुआ निवासी पीड़ित अजय विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, जिसमें आरोप है कि सांडी विधानसभा के सुरसा ब्लॉक में कैटल सेट के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिस पर जो जितेंद्र सिंह है उन्होंने 5,000 रुपए की रिश्वत लेने के भी आरोप लगा है। इसमें खंड विकास अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश, ग्राम विकास अधिकारी प्रेमपाल अरुण और तकनीकी सहायक कुलदीप दीक्षित, इसमें इनकी संलिप्तता पूरी तरीके से है। साथ ही इन्हीं की सह पर रिश्वत लेकर बिना निर्माण कराए भी पेमेंट किया गया है। जी हर्षराज, जिन अधिकारियों या यूं कहे कि ग्राम प्रधान और बीडीओ पर आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है? अभी मैंने फोन लगाया था खंड विकास अधिकारी का, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया है। इसके पूर्व भी एक खबर चल चुकी है सुबह, लेकिन फिर भी अधिकारी इनसे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कोई भी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं, कोई भी रिसीव नहीं कर रहा है फोन। जी बिल्कुल, धन्यवाद हर्षराज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरोहा में सहकारी समिति के सभापति के तौर पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय वीर सिंह ने कमान संभाली है। नेता को निर्विरोध सभापति चुना गया। यहां पर उन्हें चुनाव प्रभारी मोहित कुमार ने प्रमाण पत्र देकर जिम्मेदारी सौंपी है। वह विजय वीर सिंह ने कहा कि मुझे निर्विरोध सभापति चुना गया है, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और वादा करता हूं कि किसानों के हित में अधिक से अधिक निर्णय लेने का काम करूंगा। जो है सोसाइटी पर मैं सभापति नियुक्त करा हूँ। इस सभापति में 8 डायरेक्टर हैं जिन्होंने मुझे निर्विरोध सभापति चुना है, और सभापति भी वो क्या नाम है सॉरी सोसाइटी के जो डायरेक्टर हैं वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। कोई चुनाव नहीं हुआ, सब पारदर्शी के साथ यहाँ चुनाव हुआ है, और मैं सबका सही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे भी जो किसानों के हित में जो भी काम होंगे, या चाहे खाद का हो चाहे बीज का हो, वो सब ईमानदारी से यहाँ काम करेंगे। बिल्डर की मनमानी से परेशान लोगों ने सरकार और बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही फरीदाबाद के सेक्टर 80 में अंसल बिल्डर के अंसल क्राउन हाइट नाम से प्रोजेक्ट में सपनों का घर सपना ही अब रह गया है। सरकार और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों ने अब सरकार से सीधे दो दो हाथ करने की तैयारी कर ली है। इसके बाद अब लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो आमरण अनशन भी करेंगे, और जो भी कदम उनके सपनों के घर को दिलाने में मदद करेगा वो भी उठाया जाएगा। और कोई तो हमें सपोर्ट कुछ नहीं, कोई प्रॉमिस किए इतने सारे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा अमाउंट दे चुके हैं, 70-80 लाख रुपए ले चुके हैं, कुछ नहीं, हमने केस भी बंद कर लिया, उसके बाद भी उसका ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। ये सर कि हम लोगों को फ्लैट्स हमारे मिल नहीं रहे एज प्रॉमिस, 2010 में हमें मिलना चाहिए था, आज इतने साल हो गए हमारे को फ्लैट का कोई नहीं मालूम, कुछ पता नहीं। सर ये प्रोजेक्ट जो है वो 2006 में लॉन्च हुआ था, और 2006 के बाद ये 2010 में रीलॉन्च हुआ था, जिसमें कि टावर, ये वाला टावर और ये वाले टावर दोबारा रीलॉन्च किए गए थे रीसेल में। उसके बाद मैंने बुक कराया था ये टावर 2010 में, मैंने फ्लैट है उस सामने वाले टावर में, टावर 10 में 2010 में मैंने बुक कराया था, और 2010 के बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 साल के बाद ये डिलीवर कर देंगे ये प्रोजेक्ट को, लेकिन 3 साल के तो क्या, आज हम 2023 में बैठे हैं और 2010 का बुक किया हुआ फ्लैट आज तक देखो आप किस कंडीशन में है। जब भी कोई हम लोग रीच आउट करते हैं किसी अथॉरिटी के पास, ये केवल एक पेंट पॉलिश करके इसको बस थोड़ा रीटच दे देते हैं और छोड़ देते हैं, उसके बाद कोई भी इसमें वो एनहांसमेंट नहीं है। सर जी ऐसे ही हमारे से तकरीबन 12-13 साल हो गए, पैसे ले चुके हैं, पहले हम बता रहे हैं कि आपको 2 साल में फ्लैट मिल जाएगा, फिर अगले 2 साल में मिल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि उनका जो पार्टनर था गांधी लोकल वो पैसे हमारे खा गया। उसके बाद इनका एक एजेंट बैठा था, नरूला नाम का मैनेजर था, वो कहते सबको ये बहकाता जा रहा था गांधी पैसे खा गया, लेकिन जब हमारी यहाँ लोग गांधी से बात हुई कहते मैंने पैसे से कोई भी नहीं खाया, सारा आंसर वालों का है। वहाँ कहीं से पता लगा कि इन्होंने यहाँ के फ्लैट बेच के और गुड़गावा में कुछ प्रॉपर्टीज ले ली है, फिर पता लगा गुड़गावा का प्रोजेक्ट भी किसी और को बेच दिया है, और इन्होंने एक बदमाशी और की, रेट बढ़ने के चक्कर में
कुछ फ्लैट्स बेचे ही नहीं और लोगों को बिके हुए दिखा दिए। आज अगर हम उनसे पैसे कहते हैं हमारे ये फ्लैट बिके, जब उनको कहते हैं कि फ्लैट बेचो ये, तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ है तो कोई प्रॉपर फ्लैट ले भी नहीं रहा। गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ डाल दे, चाहे एनबीसीसी को दे या किसी को भी दे, ये गवर्नमेंट बना के इसको प्रोजेक्ट को पूरा करके गरीब आदमियों को पैसे दे। हरदोई में मारपीट का मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि महिला ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता ने 13 मार्च को डीएम और एसपी को पत्र लिखते हुए एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला यह है कि मेरी पुरानी रंजित चंती है, दारू पी के आए मेरे पे गाड़ी गरोज करने लगे, मैंने मना किया। ये कौन थे जो आए आपके घर पे? ए अंकुल सर्वेश लोले। अच्छा, अंकुर किसके पुत्र हैं? ए सर्वेश केरे। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कब आए थे आप? आए थे 7 तारीख को होलिका वाले दिन। हाँ हाँ हाँ, फिर मैंने मना किया कि मुझे गाड़ी मत दो, तो आए मेरे पति को गलियारे सरे खींच ले गए, घर में बंद किया, तो मैंने चिल्लाया मारा पीटा है मेरे पति को, मैंने चिल्लाया तो पति का क्या नाम है? पुनीत। हाँ, दूसरे कह रहे घर से कूद के भाग गया है और मेरे पति को नहीं जान से मार डालते, पुरानी रंजे संवार रहे हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर बुलंदशहर से है जहां विकास कार्यों का सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने फीता काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि डिबाई तहसील के ब्लॉक दानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया ने ब्लॉक प्रमुख आनंद लोधी की तारीफ करते हुए कहा कि जब देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो विकास कार्यों की बहार होगी, क्योंकि हमारी भाजपा सरकार का एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। कानपुर ब्लॉक का नाले हैं, नालियां हैं, 8 सड़कें हैं, लगभग 60-62 सड़कें हैं, जिसका बजट 5,92,00,000 रुपए आज इन्होंने घोषित किया है और मैंने भी पत्रकारिता की। और मैं कह सकता हूँ कि ब्लॉक के माध्यम से, हमारी विधायक निधि के माध्यम से, हमारी सांसद निधि के माध्यम से, सरकार के अन्य योजनाओं के माध्यम से एक भी गांव ऐसा नहीं बचाया जो सुविधाओं से वंचित, और आज मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। संबल में भाजपा जिला कार्यालय पर सुषमा स्वराज अवार्ड को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा, वशिष्ठ अतिथि महिला मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनीता सैनी मौजूद रही। यहां अलग अलग क्षेत्रों में उत्कर्ष करने वाली महिलाओं को मुख्य अतिथि डॉक्टर गीता शर्मा के द्वारा 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कर उसकी वीडियो वायरल करने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो में हत्या का प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस ने ट्रेस किया और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस को युवक की अब तलाश है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह जो एक युवक है वो हथियारों का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा एक ट्वीट का संज्ञान लिया गया है जिसमें कि एक वीडियो में एक व्यक्ति है जो कि हथियार का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही उसके द्वारा एक लड़की को धमकी देने की भी उसमें सूचना दी गई है। इसका तत्काल ही मोदी नगर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और इसमें जो व्यक्ति है उसकी शिनाख्त कर ली गई है और उसके विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्दी उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लड़की है उसको पहले से ही जो है गनर की सुरक्षा पुलिस द्वारा प्रदान की गई है और आगे उसकी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से इसके बंदोबस्त किए जा रहे हैं और पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से इसमें सक्रियता बरत रही है।
कासगंज में लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते एक की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला गंज डुडवारा एटा मार्ग पर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहोरनपुर का बताया जा रहा। ये मामला था, ये ट्रैक्टर पलटने से इनकी एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। एक पत्ते बेचता था, एक ड्राइवरी करता था। ये हादसा ये कहां पर हुआ है? ये भवनपुरा पर हुआ था। ट्रैक्टर था, लकड़ी लदी थी, एक घायल था, एक खत्म हो गया। क्या नाम? एक घायल का नाम केतन था और खत्म होने वाले का नाम नन्ने था। कौन सा गांव का रहने वाला? ये निवासी ग्राम गणेशपुर के रहने वाले हैं। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों के खिलाफ अभियान चलाया था। बताते कि पुलिस ने दो शातिरों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके साथ ही पुलिस ने दो बाइक भी बरामद की है। इन शातिरों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। आलू की बेल्ट माने जाने वाले औरैया जनपद में आलू की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन मंडी में आलू का भाव किसानों को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान अब परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए आलू किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी अनदेखी की गई है। वही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आलू किसानों की समस्याओं को उठाते हुए एक ट्वीट किया है कि आलू उत्पादक किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन आलू का भाव नहीं मिल रहा है, ऐसे में अब की बार आलू बदलेगा सरकार। वही सरकार ने भी आलू को लेवी के माध्यम से खरीदने की बात कही है। पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन किसान को रेट नहीं मिल रही है। अब जैसे सरकार हमारी है, ये पड़ोसी देश जो हैं इनमें खोल दिया जाए पोस्ट, तो रेट अच्छे मिलने लगे। ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन थोड़े किसान को ये है कि लागत जो लगी है उसके बराबर तब भी मिलने लगेगा। इस वर्ष आलू की पैदावार बहुत बम्फर हुई है ना, भाव मिल नहीं रहा है, किसान बहुत घाटे में जा रहा है। इतना लेबर खर्चा, दवा खर्चा, रोग लग रहा है, झुलसा वगैरह का भाव मिल नहीं रहा है, तो किसान बहुत बुरी तरह पिट रहा है। कितनी खेती आपकी है और कितना आलू है? आलू हमारे पास 2 बीघा है। हाँ, 3 बीघा ज़मीन में 2 बीघा आलू है, 1 बीघा गेहूँ है सिर्फ। क्या समस्या? अब समस्या ये है कि कैसे अगली वर्ष रखेंगे, परिवार कैसे चलाएंगे जब भाव नहीं मिलेगा आलू का। तो खोले जाने के विषय पे बात की गई थी, लेकिन जनपद औरैया में भी अभी जो है हाफेड खरीद रहा है, लेकिन हाफेड के कोई क्रय सेंटर यहाँ पर अभी खुला नहीं है। जिलों में जो है कि फरुखाबाद में खुला हुआ, वहाँ पर क्रय किया जा रहा है। तो किसान यहाँ पे कैसे क्या खरीदते अगर बेचना चाहे तो? अभी तो जैसे कि मंडी में जो है कि बाहर निर्यात, जैसे अभी परसों मेरे मंडी सचिव से बात हुई है, 30 मीट्रिक टन जो है कि बिहार राज्य को यहाँ से निर्यात किया गया है। यूपी की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।